तो हाय गाइस, कैसे हो आप सब। आज लोग हम लोग आए गुनू कावी टेंपल में। प्रोनाउंसिएशन ऊपर नीचे हो सकता है तो थोड़ा एडजस्ट कर लेना। जगह बहुत प्यारी है और टॉप प्लेसेस टू विजिट इन बाली में इसका भी एक नाम है। तो चलो अपन चलते हैं और वीडियो बहुत अच्छा होने वाला है, एंड तक ज़रूर देखना। तो ये हमारे धन्नो, इससे हम लोग आए हैं। लगभग हमको एक घंटे से ऊपर लग गया आने में। हम लोग चंगू में रहते हैं और ये उबूद में है। बीच का रास्ता बहुत ही ऑसम था, वो हमने फुटेज ली नहीं। तो चलो बिना टाइम वेस्ट करे शुरू करते हैं। एक्चुअली है ना, हमने गाड़ी उस साइड टिकाई थी और हम अंदर जा रहे थे, हमें सामने की साइड बहुत अच्छी चीज़ दिख रही थी, तो सोचा चल के देखते हैं। आपको दिखाता हूँ, देख के बहुत अच्छा लगेगा। ये ना, हमने यहाँ से टिकट लिए तो फॉरेनर के लिए 30,000 और चिल्ड्रन के लिए 15,000, जो कि फॉरेनर हो, और लोकल के लिए 20,000 और बच्चों के लिए 10,000 लोकल बंदों के लिए। ये टिकट यहाँ पे ये बांधा जाएगा, सेम मेरे को भी बांधना पड़ेगा, एंड देन फिर वहाँ से अंदर जाएंगे। शिल्पा, ये क्या बनवाया तुमने? क्या बोलते हैं? शिल्पा को नहीं पता क्या बोलते हैं इसको, मेरे को भी ऐसा बनना। अंदर चलते चल। तो एक्चुअली मैं जहाँ खड़ा हूँ ना, यहाँ पे बहुत बड़ी बड़ी मछलियाँ हैं, बतख भी है, और अभी तो पूरा एरिया बचा। उस साइड जाना है, उधर जाना है, उधर भी अंदर टेंपल है। अभी यहीं यहीं का फुटेज लिया मैंने, बहुत अच्छा लग रहा है। और यहाँ पे ना बहुत शांति है, मतलब टूरिस्ट है पर इतने नहीं है जितने हम प्लेस गए ना, वो खचाखच भरी पड़ी थी टूरिस्ट से, पर यहाँ बहुत ज़्यादा शांति है।
तो फिलहाल तक अभी तक हमने जितना घुमा ना वो बहुत बढ़िया लग रहा है। कैसा लग रहा है शिपा? धूप आ रही है जा रही है, जब धूप चले जाते बादलों से ढक जाता है ना तब तो बहुत ये वाला मौसम हुआ पड़ा है। बारिश नहीं है, रेनी सीजन चल रहा है पर बारिश नहीं हो रही, ये सबसे बढ़िया चीज़ है। चलो आगे चलते हैं। तो अभी तक वीडियो में बने हो और वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ लाइक करो वीडियो को, शेयर कर सकते हो अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ, और सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को अभी तक नहीं करा तो, क्योंकि ये सफ़र बहुत लंबा होगा, मतलब ये वाला वीडियो का नहीं, यूट्यूब का सफ़र अपना बहुत लंबा होगा। और मेरे पास शब्द नहीं बोलने के लिए, क्योंकि मैं अभी है ना, हम चंगू में रहते हैं, वहाँ बहुत शोर शराबा होता है और यहाँ एकदम रिलैक्स हुए हैं, हो गए हैं, मतलब एकदम काम क्लाइमेट है, ना शोर शराबा। जितने टूरिस्ट प्लेसेस पे जाते हैं ना बाली इंडोनेशिया में, बहुत कचर पचर रहता है, यहाँ सुख शांति है एकदम, बहुत बढ़िया। हम तो शायद यहाँ अभी ऑफ सीज़न है या क्या पता क्या है इस मंदिर का, क्योंकि कुछ हो नहीं रहा है यहाँ पे, पर जब होता है ना यहाँ पे प्रोग्राम तो बहुत अच्छा होता है, मैंने ऑनलाइन देखा था। हम शायद ऑफ सीज़न में आए इसलिए इतनी हलचल नहीं है यहाँ पे। तो यहाँ पे है ना धूप आ रही है जा रही है, इसलिए वीडियो के में कहीं एक्सपोजर ज़्यादा होगा कहीं कम होगा। पर यह मुझे कमाल की चीज़ दिखी, यहाँ पे एक मूर्ति है मेरे पीछे, जहाँ पे है ना यहाँ जैसे अपने यहाँ नहीं कॉइन चढ़ाते हैं कहीं पे मूर्ति के नीचे, तालाब में अपन कॉइन डालते हैं विश मांगते हैं, मुझे ऐसा लग रहा है क्योंकि यहाँ पे एक मूर्ति है और यहाँ पे कॉइन ऐसे कैसे रखे किसी ने उठाया नहीं है। दिखाता हूँ, तो एक्चुअली ना कैमरा बिल्कुल बयान नहीं कर सकता ये कितना खूबसूरत जगह है। मुझे लग रहा है हम ऑफ सीज़न में आ गए हैं, बस हमने सर्च किया, उठे मुँह हाथ धोया, सर्च किया और आ गए। क्या किचन पिचन नहीं चीज़ों को अच्छे से एक्सप्लोर कर पा रहे हैं, मुझे नहीं पता शिल्पा की आवाज़ आ रही है कि नहीं, वो नीचे खड़ी है, मैं यहाँ देखने आया था। मेरे पास जूम लेंस नहीं है एक्चुअली, क्योंकि ये जो मंदिर की वो कलाकृतियाँ क्या बोलते हैं यार दूसरे शब्दों में इसको, जो भी बोलते हैं समझ गए होंगे बहुत सारे लोग, तो कलाकृतियों से है ना, तो काफ़ी अच्छा लग रहा है, खूबसूरत लग रहा है, पर ये आला रिकॉर्ड नहीं कर पा रहा हूँ, यहाँ पे ना जाली लगी है, दिखा देता हूँ मैं, इसलिए अंदर जा नहीं सकते। ये पूरा मंदिर का एरिया लग रहा है मुझे, जो जालियाँ का मैं कह रहा था ना, ये वाली जालियाँ लगी हुई है तो यहाँ अंदर नहीं जा सकते, और ये पूरा ढंग से कुछ दिखेगा नहीं मेरे ख्याल से अंदर का, पर बहुत खूबसूरत है। तो वो खड़ी शिल्पा, शिल्पा हेलो, यहाँ सब पे मैं आया था, चलो चलते हैं। तो लगभग हमने ना पूरी जगह घूम ली है, ज़्यादा बड़ी जगह नहीं थी, छोटी सी थी पर देखने लायक थी।
बढ़िया। अब यहाँ पे बस एक जगह बची है, यहाँ जाते हैं, यहाँ मछलियाँ वगैरह मैंने दिखा दिया वैसे दूसरे साइड से आपको वीडियो में, आपने देख लिया होगा। अभी इस साइड से चलते हैं, आप बैठ बैठ सकते हो, ऐसा है, चलो दिखाते हैं। अरे शिल्पा क्या कर रही हो? तो गाइज ये वीडियो ये करते अपन यहीं एंड, क्योंकि अब कुछ बचा नहीं, अब तो सीधे वहाँ एग्जिट गेट है, वहाँ से बाहर जाएंगे और ख़त्म हो जाएगा। तो अब हम वापस जाएंगे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर सकते हो अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ, कमेंट करके अपना सजेशन बता सकते हो कि हमें बाली में और क्या करना चाहिए, या आप और क्या देखना चाहते हो, या जो आपकी इच्छा हो। और सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।